तो स्वागत है दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर हैदराबादी। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है पैन में। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जो इस प्रकार हैं कि इसमें आधा चम्मच हमने जीरा लिया है, दो छोटी इलायची, दो बड़ी इलायची, 8 से 10 हमने काली मिर्च लिया है, और 4 जो है हमने लौंग का लिया है फूल। तो इसको थोड़ा देर हम सौटे करेंगे। मसाला हमारा चटक चुका है, तो अब इसमें हम दो तीन हरी मिर्च डालेंगे। और इसी में हम एक प्याज डाल देंगे। पनीर हैदराबादी एक ऐसी यूनिक डिश है जिसको हर कोई बड़े ही चाव से खाता है। तो आप अगर इस वीडियो का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको जो है एक नायाब डिश का एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप घर परिवार सब में जो है आपकी तारीफ होना जो है जायज़ है। तो आप फॉलो करिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ऐसे ही अच्छी अच्छी डिशें आपको मैं प्रस्तुत करता रहूँगा आपके समक्ष। तो ये हमने प्याज, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है, थोड़ा देर इसको भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा हम काजू डालेंगे, ये 5-6 काजू खड़े हैं, और ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है 1 इंच, इसको डाल लेंगे। थोड़ा इसको हम भूनेंगे अपने प्याज और सारे सामग्री को। हम देखिए पाँच मिनट तक इसको भूनेंगे हम, क्योंकि प्याज थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो इसलिए इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स 5 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए। तो अब यहाँ पे हम टमाटर, ये 1.5 टमाटर हमने लिया था, इसको बारीक हमने काट लिया है, और इसको भी 2-3 मिनट के लिए के साथ भूनेंगे। अब इसको जो है भूनते हुए 5 मिनट हो चुका है, तो अब इसमें हम पालक डालेंगे। पालक को अच्छे से साफ करके हमने काट लिया था, और इसी में हम धनिया पत्ती डालेंगे, जो कि हम डंठल समेत इसमें डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा सा पालक हम और डाल देंगे। अब इसको जो है अच्छे से हमें भूनना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए पालक को। वो आप देख सकते हैं कि पालक भी हमारा लगभग मसाले में मिल चुका है। तो बस यहीं पे हम अपने गैस को कर देंगे बंद, और इस सामग्री को एक मिक्सर के जार में डाल के और इसको हम पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स कढ़ाई हमने फिर से चढ़ा दिया है, और इसमें जो है सरसों का तेल, या फिर आप रिफाइंड या फिर देसी घी जो भी डालना हो आप डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि आजकल तेल और घी भी लोग स्वाद के अनुसार ही खाते हैं।
तो अभी हमने ये थोड़ा सा जीरा इसमें चटकने के लिए डाल दिया है, और इसी में थोड़ा सा हम हींग डाल देंगे। बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है हींग का। और यहाँ पे हम लगभग आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। ये दूसरा तड़का है तो, और ये करीब देगी मिर्च आधा से थोड़ा सा ज़्यादा हम करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है ये, थोड़ा सा और डालें। हाँ, ये 1 चम्मच। इसका तड़का हम तैयार करेंगे। देखिए तड़का हमारा तैयार हो गया है। तो अब जो हमारा जो मिक्सचर है उसको इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मसाला हमारा अच्छे से पक रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हम मसाले और डालेंगे। तो इसमें हम ये थोड़ा सा गरम मसाला 1 चम्मच और 1 चम्मच धनिया पाउडर दोनों को मिक्स करके हम इसमें डालेंगे, और इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो फ्रेंड्स अभी इसको कवर करके हम 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे हमारे मसाले जो है पक जाए और तेल ऊपर तक आ जाए। तो मिलते हैं 5 मिनट में। मसाला हमारा भुन चुका है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रीम हम डालेंगे। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई डाल सकते हैं। ये अमूल क्रीम है, और यहीं पे हम थोड़ा सा 1 चम्मच क्रश किया हुआ कसूरी मेथी उसको भी इसमें डाल देंगे। आप देखिए कितना बढ़िया कलर इसका पनीर हैदराबादी, बहुत ही अच्छा डिश होता है ये, रिच होता है। नवाबों के शहर का ये डिश है, तो इसको ज़रूर आप ट्राई करिए। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ऐसे ही इसको चलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा भुन चुका है। अब इसमें रोस्टेड हम पनीर को थोड़ा सा रोस्ट हमने कर लिया था, तो अब इसको डाल देंगे सारे पनीर को। ये करीब 200 ग्राम पनीर है, लगभग 3 से 4 लोगों के लिए सफिशियंट है। तो अब इसको मिक्स कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा जो है ये हमारा मसाला ठीक हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। तो लीजिए दोस्तों, पनीर हैदराबादी बन के पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं इसका अरोमा। तो आइए इसको सर्व करते हैं।